बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला भावर नगर के तमाम कारकुनान को आज मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िले सेक्रेटरीट का आगाज़ अली हुसैन सैयद जो मौजूदा प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उनके दफ्तर में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िले दफ्तर उसकी इनॉग्रेशन कर दी है, जिसमें वकला की कसीर तादाद भी मौजूद है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साउथ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असदुद्दीन खान साहब भी मौजूद हैं और दीगर दोस्त और जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट का ये दफ्तर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए एक बेहतरीन हरावल दस्ते के तौर पर काम करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनको सबको मेरी तरफ से ये दावत है कि किसी के साथ कोई भी कानूनी कोई भी अखलाकी कोई भी मामला हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये ज़िले सेक्रेटरीट के ऊपर अली शाह साहब से मुझसे बंदा राजी जिनसे जो भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे वो रब्ता कर सकते हैं। अब हम इजहार ख्याल के लिए दावत देते हैं जनाब अली हुसैन सैयद साहब को कि जो जिनकी ज़ेर सरपरस्ती हमने इस दफ्तर का आगाज़ किया। जनाब अली हुसैन सैयद साहब थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं क़यादत का और असदुद्दीन खान साहब का और हमारे जो ज़िले महिदर हैं इनका मैं IELF के इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। और मैं इसके बारे में मुख्तसर एक बात कहूँगा कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है और हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे और ये दफ्तर पूरे तहरीक इंसाफ का जो हमने बनाया है इसमें हम दावा देते हैं तमाम कारकुनान को कि वो किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं और हमारे साथ कोई भी उनकी मुश्किलात हैं वो शेयर करें और जितनी की हमारी बिसात होगी हम उसके मुताबिक उनकी मुश्किलात का इंशाल्लाह अदाला करेंगे जो हम इस दौर में कर सकें। और मेरी सबसे गुजारिश है कि साबित गर्म रहें और आपस में तफरीक पैदा ना करें और इतिहाद कायम करें। ये टाइम मुतहद होने का है और बाकी चीज़ें खुदाबंद करीम पे हमें छोड़नी चाहिए और मुतहद रह के खान साहब का हमें साथ देना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आलिया साहब सैयद साहब, आपने बड़े अच्छे ख्याल का इजहार किया। अब मैं दावत सुखन और कुछ अल्फाज के इजहार के लिए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इरशाद फरीद खान आकुका साहब बहुत हरदिल अजीज शख्सियत और बड़े सीनियर लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो भावल नगर में जिन्होंने रिहाई में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई भी करवाई। जनाब इरशाद फरीद आकुका साहब अस्सलाम वालेकुम। हमने जो भी वर्क किया कोर्ट के बाहर किया कोर्ट के अंदर किया हमारे जितने यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जुल्म ज़्यादती की गई और जो बंदे बंद किए हुए थे और हमने हर मुमकिन कोशिश की है उनको इंसाफ दिलाने की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बेगुनाह जितने यहाँ पे लोग थे उनकी रिहाई भी करवाई और उनको बाहफाजत घर भी पहुँचवा कर आए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। और ये दौर तो ऐसा बद गुजर रहा है जो कठिन दौर है हमारे कारकुनान अक्सर तहरीक इंसाफ के जो जितने कारकुनान हैं उनके लिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें इतिहाद पैदा करें, सफ़ों में इतिहाद होना चाहिए, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब भी रात आती है तो रात के बाद दिन आए उसी दिन के ऊपर उसी रोशनी के ऊपर ये दुनिया कायम है और उम्मीदें अच्छी रखे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा और हम इस जुल्म की जो रात है ये ख़त्म होने वाली इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ सरवर शाहीन साहब मौजूद है, वो डिस्ट्रिक्ट के टाइगर फोर्स के इंचार्ज हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स के साथ ही जा रही है तो हम उनसे भी दो मिनट का टाइम लेंगे। सरवर शाहीन साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी क़यादत का खास तौर पर शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए खासतौर पर बहावल नगर के लिए अली शाह साहब जैसा एक हीरा चुना है। यकीन मानो किसी को भी अगर कोई मसला हो किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खासतौर पर कोई मसला तो वो अली शाह साहब का दरवाज़ा और अली शाह साहब का चैम्बर और उनका ऑफिस 24 घंटे उनके लिए खुला है और इंशाल्लाह यहाँ पर हमें इंसाफ मिलेगा और अली शाह साहब कारकुनों के साथ खड़े हैं चाहे रात के 12 बजे हो या दिन का टाइम हो
जब भी अली शाह साहब को आप याद करेंगे और इताफ सुल्तान कादर साहब को और सेक्टरी साहब को और असद अली खान साहब को, हमारे जितने भी वकला साहबान बहावल नगर के हैं, वो इंशाल्लाह कारकुनों के लिए तैयार हैं हर वक्त उनको इंसाफ दिलाने के लिए। जो भी जुल्म ज्यादती होगी इंशाल्लाह वो उनका डट कर मुकाबला करेंगे। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं हमारे अली शाह साहब, खास तौर पर अली शाह साहब का, कि वो हमारे लिए तरीके इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की और हमें इंशाल्लाह इस जुल्म से निजात दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया सरवर शाहीन साहब। अब आखिर में मैं इजहार ख्याल के लिए दावत दूंगा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब और डिविजनल डिप्टी ऑर्गेनाइजर इंसाफ राइज फोरम असद अली खान एडवोकेट साहब, उनसे गुजारिश है कि आज दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में आप तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। असद अली खान एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो पैगाम के ज़रिए सबसे पहले तो अपने ज़िला बहावलनगर के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले और वर्कर्स को और वोटर्स को और सपोर्टर्स को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमने बाकायदा तौर पर ज़िले हेडक्वार्टर में ये जो सैयद अली हुसैन शाह साहब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर सरपरस्ती इस ऑफिस का आज इफ्तिताह किया है, तो तमाम पीटीआई के लवर्स जो हैं वो किसी किस्म की दिक्कत और किसी किस्म के कानूनी मामलात में वो इनसे आकर मशवरा करें और इनकी सपोर्ट लें। ये बाकायदा तौर पर एक जो हमने एक ऑफिस का आगाज़ किया यहाँ से, ये इंशाल्लाह एक नई जेहद है और आप लोगों ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपस में बाहमी इत्तेफाक और जो भी आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है उसको आपने अली शाह साहब के साथ मशवरा करना है। सुल्तान कादर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र हैं आईएलएफ के, इरशाद फरीद आकूका साहब सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। आप लोगों से इस पैगाम, ये जो आज हमने यहाँ पे जो दफ्तर बनाने का मकसद हमारा ये था कि जो कठिन वक्त आने वाला है उसको हमने निभाना है जैसे हमने पिछले कठिन वक्त में इनके साथ इनकी मदद के साथ निभाया है। लेकिन आप वर्कर्स जो हैं इंशाल्लाह इस बात पे आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें और इंशाल्लाह आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, ये दफ्तर पूरे ज़िला भर की नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह। तो अली शाह साहब की ज़ेर सरपरस्ती आपको ये दफ्तर मुहैया होंगे, यहाँ पे हर किस्म की कानूनी मदद मिलेगी, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, लिहाजा आप बेफिक्र होकर तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह इस दफ्तर को आबाद करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया जनाब। आखिर में तमाम अहबाब जिन्होंने शिरकत की उनका शुक्रिया, जो जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए उनका शुक्रिया, अली हुसैन सैयद साहब का शुक्रिया, असद अली खान साहब का शुक्रिया, इरशाद फरीद आकूका साहब का शुक्रिया, उमर फारूक साहब का शुक्रिया, जहरू खान साहब का शुक्रिया, जावेद बरकी साहब का बहुत शुक्रिया और सरवर शहीद साहब का, जो दोस्त आकर चले गए उन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच।